सामने से पूरा करना, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि गांव में धान को कैसे उड़ाया जाता है, यानी कि धूका जाता है, ठीक है। तो गाइस, हम लोग धान धूकना बोलते हैं, ठीक है, मतलब धान को अलग, पैरा को अलग किया जाता है। तो गाइस, हमने जो है यहाँ पे धान मिसा हुआ था, ठीक है, यानी कि ट्रैक्टर में मिसवाया हुआ था, ठीक है। इस धान को देख सकते हैं गाइस, इसमें कचरा अलग है थोड़ा थोड़ा, इसे अलग कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, उसके लिए गाइस यहाँ पे एक नॉर्मल पंखा है, ठीक है, जो हवा देने के लिए, ठीक है, देख सकते हैं नॉर्मल पंखा है, सिर्फ गर्मियों में काम आता है, ठीक है, गर्मी भगाने के लिए। तो गाइस, इस धूप यहाँ पे धूकते हैं इस सूपे की मदद से, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे धान धूका जाता है, ठीक। तो गाइस, धूकने के बाद देख सकते हैं गाइस, ये धान दो एकदम क्लियर साफ है, ठीक है, जिसे हम अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ब्लॉग पर बने रहिएगा, मैं आपको बताने दिखाने वाला हूँ कि धान कैसे धूका जाता है गाँव में, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि गांव में धान को कैसे थूका जाता है, ठीक है। तो गाइस, ये है सूपा, ठीक है, इसे हम सूपा बोलते हैं, इसमें थान लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हैं सूपे में मैं अभी थान ले चुका हूँ, ठीक है। अब चालू करते हैं इस पंखे को, ठीक है, पंखे को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये गया गाइस फैन पंख। तो गाइस, पंखा अभी चालू कर लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस, यहाँ से हमको इसको पकड़ना है, ठीक है, यहाँ पे आपको हमको इस तरह से उड़ाना है, ठीक है। तो गाइस, धान को इस तरह से पकड़ के हल्का हल्का गिराना होता है, ठीक है, जिससे कि जो भूसा वगैरह कचरा वगैरह होता है वो अलग हो जाता है, वो धान जो है नीचे गिर जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो गाइस, अभी कुछ और भी करना होता है, ठीक है। तो गाइस, सूपा को इस तरह पकड़ के इसको हवा देना होता है, ठीक है, जो गाइस इस तरह से। तो गाइस, ऐसे ही धान थूका जाता है, ठीक है, गांव में। तो गाइस, शहरों में तो कई तरह से की टेक्नोलॉजी आ चुका है, ठीक है गाइस, मशीन वगैरह मिसते हैं तो उसमें धान अलग, पैरा भूसा अलग हो जाता है, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से गांव में धान को थूका जाता है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं इतना सा धान है, ठीक है, इसे पूरा थूकना है, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बता दिया कि गाँव में धान कैसे थूका जाता है। गाइस, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज की इस वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।